सीरियस एंड वॉल्यूम्स, उसका एक्सरसाइज 13.2, 10th क्वेश्चन। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा है हमें, मैं जल्दी से समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। देखिए, ये एक फ्रेम है, ठीक है, फ्रेम ऑफ लैम्प शेड, कौन से शेप में, टेस्ट ट्यूब में गिवन है डायग्राम, ये सिलेंड्रिकल शेप में, इज टू बी कवर्ड विद डेकोरेटिव क्लोथ, कवर करना है इसको डेकोरेटिव क्लोथ से, द फ्रेम एज ए बेस डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर और हाइट है 30 सेंटीमीटर, मार्जिन हमें बढ़ाना है टॉप में भी बॉटम में भी, ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे 2.5, तो कितना हो जाएगा टोटल हाइट, टोटल हाइट विल बी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 टॉप एंड बॉटम, सो दिस विल बी 35 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, अब लैम्प शेड को कवर करने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए, देखिए आर हमें गिवन है 20, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, सॉरी डी गिवन है 20, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तभी हमें आर मिलेगा 10 सेंटीमीटर। अब सी एस सी ऑफ लैम्प हम फाइंड आउट करेंगे, लैम्प शेड, अब हम सी एस सी क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, बेसिकली हमें इस पार्ट को कवर करना है ना, ऊपर वाला और नीचे पार्ट वाला कवर नहीं करना, जस्ट दिस पार्ट, समझ रहे ना। सो सी एस सी ऑफ लैम्प शेड इज इक्वल टू 2πRH, सो 2 × 22/7 इंटू आर, आर इज नथिंग बट वॉट 10, एच इज 35 सेंटीमीटर, सो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन 7 × 1 = 7, 5 = ऐसे तुम सिंप्लीफाई करके 44 × 50 विच इज इक्वल टू 2200 cm². तो ये हमें जो है क्लोथ का जो है क्लोथ इज रिक्वायर्ड, दिस मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शीट। यहाँ पे देखिए समझने की बात ये है, हम सी एस ए पे क्यों जा रहे हैं, ये हमें समझना होता है, कभी कभी क्या हो जाता है कि टी एस ए पे चले जाते हैं, सी एस ई इसलिए क्योंकि हमें ये वाला रीजन चाहिए, हमें जस्ट ये वाला पार्ट को कवर करना है, ऊपर और नीचे वाला नहीं। ओके, तो इमेजिन करके देखो कि कहाँ पे हमें कवर करना पड़ता है।